हाय गाइस, आप लोग कैसे? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे। तो आज का जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही जरूरी है आपके जानने के लिए, क्योंकि आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले वो है कटहल और कोको कोला। आपने तो बचपन में जरूर सुना होगा कि कोको कोला और कटहल को एक साथ नहीं खाना चाहिए, यानी कि जैक फ्रूट अगर एक साथ खाएंगे तो मतलब बहुत ऐसे वीडियो भी वायरल हुआ था इंटरनेट पे था कोको कोला और कटहल को एक साथ मिक्स करने से वहाँ पर से कोबरा भी में यानी कोबरा स्नेक यानी कि कोबरा सांप जितना जहर होता है वही वहाँ पर से प्रोड्यूस होता है। क्या ये सच है या झूठ? तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम बताते हैं कि क्यों नहीं खाना चाहिए कोको कोला और कटहल को एक साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया है यहाँ पर कटहल, देख सकते हो हमने यहाँ पर कटहल ले लिया है। इसको आप इस कोको कोला देख सकते हो, अभी फ्रिज से निकाल के लाया हूँ मैं। यह कोको कोला देख सकते हो, इस कोको कोला और कटहल को हम एक साथ मिक्स कर देखेंगे क्या इसमें कुछ रिएक्शन दिखने मिलते हैं या नहीं। तो चलिए पहले इस बिकार पे हम थोड़ा कोको कोला डाल लेते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा टेस्ट करके बता देती हूँ कि यह सच में कोको कोला है। तो चलिए आप मिक्स करते हैं। तो हाय गाइस, देख सकते हो यहाँ पर हमने 150 ml कोको कोला ले लिया है। अब इस पे हम इस कटहल को डालेंगे और देखेंगे क्या रिएक्शन देखने को मिलता है और इसको क्यों एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते। तो पहले इस कटहल को हम ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। तो हाय गाइस, देख सकते हो ये कैसा हो रहा है, जो फ्लेम है वो निकलने लगता है। और भी एक डालते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर गैस, देख सकते हो यहाँ पर फेना जैसा कुछ आ रहा है। मतलब इसको हम एक बार घोर देते हैं अच्छी तरह से। हाय गाइस, देख सकते हो यहाँ पर कैसा हो गया है हमारा कोको कोला का। हाय गाइस, देख सकते हो यहाँ पर तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जितने उम्मीद थी यहाँ पर से। और ये जो कटहल होता है ये तो कोको कोला में तैरता है, देख सकते हो आप, नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर से तैर रहा है और यहाँ पर से छोटी छोटी बबल निकल रहा है यहाँ पर से, और कुछ नहीं देखने मिलता है यहाँ पर। और देख सकते हो यहाँ पर कुछ फेना जैसे आ गया है। मैं और एक को डाल के आपको दिखा देती हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसे उम्मीद थी कि कुछ यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो इसको ना खाने से अच्छा है, क्योंकि कोको कोला और कटहल को एक साथ मिक्स करने से इसका जो विटामिन है वो उसका रिएक्शन बहुत ही कम हो जाता है, जिसके लिए आपका ये खाने से सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप खा सकते हैं, इससे तो ये क्लियर हो गया कि इससे कोई मरता नहीं। इसको खाने के बाद आपके शरीर में कुछ भी इसका विटामिन का कुछ भी फायदा नहीं होगा, तो इसको ना खाने से ही बेटर है। लेकिन खाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेडिकल वालों ने कह दिया था कि इसको खाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन इसमें रहने वाला विटामिन आपके शरीर में फायदा नहीं देता है, यानी कि काम नहीं आया। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही एक्सपेरिमेंटेड वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी बजाने को बजा दीजिए। और अगर आपके भी दिमाग में ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए इसको हम पहले खा के भी दिखा देते हैं।